हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज भी सिखाऊंगा आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों, साहब को भी साधारण ब्याज बहुत सरल है, लेकिन नहीं। क्या पूछा है? कोई धन किस दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है? कितने वर्ष में? 8। दुगना हो जाएगा। अब दोस्तों, धन तो दुगना हो जाएगा मालूम है, लेकिन उसकी दर क्या लगाएंगे आप? कौन सी दर लगाएंगे? आपको मूलधन भी पता नहीं, समय भी पता नहीं, कैसे लगाएंगे? केवल एक ही चीज पता है आपको, 8 वर्ष और दुगना। ये दो चीज पता है, 8 वर्ष और दुगना। तो दोस्तों, सवाल हल करने के तो बहुत तरीके हैं, बहुत। और जिसको जो समझ में आ जाए, जिस तरीके से, वो जितनी स्पीड से कर ले, वो उसका तरीका बेस्ट है। कंपटीशन एग्जाम में उसकी स्पीड चाहिए, उसको समझना पड़ता है कि क्या है, कौन सी दर से वो दुगना हो जाएगा 8 वर्ष। आइए देखते हैं। अब सीधे चीजें चलते हैं बहुत डीपली की तरफ, बहुत अपन डीपली की तरफ, डीप मतलब गहराई तरफ, क्योंकि गहराई से सीखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए कि धन एक्स, मूलधन कितना रुपए, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, दर परसेंट है, दर कितनी है? परसेंट है, कि दर प्रतिशत। तो यह मूलधन मान सकते कि मूलधन 100 रुपए। क्या माना? माना कि मूलधन बराबर कितना है? 100 रुपए। ठीक। अब ये कह रहा है दुगना, तो दुगने का मतलब क्या होगा? दुगना ये ने मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो गया? 200। दुगना मतलब 200। अब यहां पे दो चीज आपके पास आ गई कि अब मिश्रधन भी आ गया, मूलधन भी आ गया, तो ब्याज कितना बचेगा? 200 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा? 100। ये ब्याज आ गया। अब अपने पास ब्याज है, मिश्रधन है, मूलधन है और समय भी है, तो फटाक से अपन दर निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। दर का एक सूत्र लगा देंगे, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, बड़ी आसानी से। और ब्याज कितना अपने पास? 100 इंटू 100 तो है ही सही, और मूलधन भी 100 था, इंटू दर समय कितना है? 8। 100 से 100 कट गया, 4 × 2 = 8 और 25 × 100, और 2 का 25 में भाग लगाए तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 4, 12.5%। जो अपना ऑप्शन ये वाला कितना इजीली आ गया, लेकिन इजीली इतना आसान नहीं है जब इसका पूरा डिटेल से शुरू से अपनों को दिमाग में बैठेगा तो। ठीक है, यहां से सबसे सीधा सीधा मान लो मूलधन 100 रुपए, तो दुगना यानी मिश्रधन 200 हो गया। अगर वो कहे तिगना तो इतना हो गया, 4 गुना, तो 4 गुना मान लो। वो जैसा कहे वैसा करते जाओ, क्यों प्रश्न को कोई जरूरी नहीं कि वो दुगना ही देगा। वो कह दे आधा तो आधा कर दो, ओके 8 गुना 8 गुना कर दो, जैसा कहे वैसा करते जाओ, लेकिन तरीका यही है। उसने दुगना कहा तो अपने दुगना कर दिया, यानी मिश्रधन 200 हो गया। जब मिश्रधन अपने पास है तो फिर ब्याज निकालने में बहुत आसानी पड़ गई, 200 में 100 हो गए तो 100 ब्याज आ गया। फिर अपना दर निकालना, तो दर इस तरीके से सूत्र लगा दिया, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, और ब्याज 100 है इसी 100 और 100 और 8, काट पीट करके 12.5%। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।